मैं आपको टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। जब हम शुरू करते हैं टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट, डाइट, एक्सरसाइज एंड पेशेंट एजुकेशन अलोंग विद ड्रग थेरेपी विद और विदाउट इंसुलिन, पेशेंट एजुकेशन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट। हम अपने पेशेंट को अगर एजुकेट करते हैं तो बेटर कंट्रोल होता है, कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं और उन्हें एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। पेशेंट एजुकेशन के बारे में स्पेशली जो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, फुट केयर है, आई केयर है, किडनी की जांच है, हृदय की जांच है, ये आवश्यक जांचें प्रति 6 माह में व्यक्ति को कराने का बताना चाहिए। फुट केयर के बारे में 5 मिनट अलग से समय देके पेशेंट को बताना चाहिए और डाइट के बारे में फर्स्ट विजिट में ही, जैसे ही पेशेंट आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज आपके पास आता है तो फर्स्ट विजिट में ही डाइट के बारे में विस्तार पूर्वक पेशेंट को बताना चाहिए पहली बार, और उसको समझाना चाहिए कि हम आपको आज ज्यादा समय दे रहे हैं, इस डाइट को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एंड 3 या 4 या 5 बार उन्हें डाइट का बताना चाहिए। मैं अपने पेशेंट को यूजुअली एक प्रोफार्मा देता हूँ, फोटो कॉपी प्रोफार्मा है जिसमें पूरा मेंशन होता है कि 9 बजे नाश्ता करना है, 1 बजे लंच लेना है, शाम को 6 बजे कुछ फल लेना है, 8 बजे डिनर लेना है और रात को 1 कप दूध या जूस या फ्रूट्स ये लेना है। ऐसा पेशेंट को पहले ही विजिट में बता दिया जाता है कि आपको 4 बार 2 बार छोटा खाना, 2 बार बड़ा खाना, ऐसा 2 नाश्ता और 2 मील लेना है। यदि हम इस विस्तार से पहले विजिट में बता दें तो पेशेंट इसका महत्व समझ जाता है और हमें डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत सफलता मिलती है। नेक्स्ट मैं पेशेंट को बताता हूँ कि प्रति 6 माह में किडनी की जांच, आंखों की जांच, हृदय की जांच और पैरों की जांच, ये आपको कराना जरूरी है। आप किसी भी पास के क्लिनिक में जा सकते हैं, अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ये जांच करा सकते हैं। इसके साथ में छोटी मोटी एक्सरसाइज हैं जिसमें पीटी करना है खड़े होके, ज्वाइंट के मूवमेंट करना है, जॉगिंग करना है, ये भी पेशेंट को बराबर बताना चाहिए, जो कि मैं रेगुलरली अपने पेशेंट को बता रहा हूँ। एक्सरसाइज इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट, डाइट, एक्सरसाइज एंड पेशेंट एजुकेशन। यदि ये तीनों बातों के साथ हम पेशेंट को ड्रग थेरेपी देते हैं और पेशेंट से एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए और हमेशा एक स्माइल के साथ पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, इन सब का यदि बातों का समावेश किया जाए तो हम डायबिटीज मैनेज करने में बहुत सफलता अर्जित कर सकते हैं और पेशेंट के जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद।